Hey, what's up, buddies? How are you? My name is Arvind Arora और आप मुझे देख रहे हैं episode number 3, The Other Side of Buddy में. How are you guys? कैसे हैं आप सब लोग? So, आप एक मुझे बात बताइए. Maths आपको कैसे लगती? बहुत सारे student ऐसे होंगे जिनको maths से phobia होता है. नहीं, डर लगता है. लेकिन YouTube पे एक teacher ऐसी है जिन्होंने अपनी tricks के through maths को बहुत आसान बना दिया. बहुत ही आसान बना दिया. So guys, आज हम लोग The Other Side of Buddy episode number 3 में उनकी ही एक other side देखने वाले हैं जिन्होंने आपके लिए maths को आसान बनाया, उनके लिए session hard होने वाला है. Please welcome नेहा अग्रवाल. So hi Neha, how are you? Hi, very well. Okay, so first of all, welcome you in the third episode of The Other Side of Buddy. Thank you. First of all, I just want to ask, how are you feeling right now? Oh, I'm feeling very nervous. I'm very jittery right now. मेरे हाथ पैर एकदम frozen हैं. Okay. So yeah, very scared. So क्या आपने previous दो episodes देखे हैं हमारे The Other Side of Buddy के? बिल्कुल देखे हैं. इसीलिए थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब. अरविंद सर आपके सवालों से लगता है. एक्चुअल में डरना तो बनता है क्योंकि इस बार एपिसोड नंबर 3 में हम लोग करने वाले हैं धमाका. क्योंकि प्रीवियस दो एपिसोड में जो हुआ है उससे कहीं ज़्यादा इस बार होने वाला है. सो गाइस स्टे ट्यून्ड. लेकिन हमारे गेस्ट को और आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट नहीं पता है तो पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता देता हूँ. सो इस पूरे एपिसोड में हम लोग हमारे गेस्ट से, जिनकी अदर साइड आप लोग देखने वाले हैं, 6 अलग अलग सेगमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे. और बेसिकली वो क्वेश्चंस टीचिंग से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होने वाले हैं. कई लोग सोच रहे हैं टीचर हैं तो टीचिंग से रिलेटेड होंगे. नहीं, इनका एक अदर साइड आप लोगों को दिखाएंगे. और एक्चुअल में अगर ये वो 6 सेगमेंट्स में इन्होंने हमारे मुताबिक या आप लोगों के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आंसर दिए, सो वी हैव अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर अ गेस्ट एंड दैट इज दिस. वाओ, कैन आई टेक दिस? नो, राइट नाउ नो. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू अर्न इट, इजंट इट? सो चलिए गाइस, आज के एपिसोड को शुरू करते हैं. और जो पहला सेगमेंट है वो है द फेवरेट ऑफ आवर गेस्ट. So, are you ready for the first segment? Yes. Okay. So we'll start with your favorites, and you have to answer in one word only. Okay. Okay. Only in one word. Sir, negative marking होगी ज़्यादा बोल रहा है. ना, negative marking नहीं है, इसमें आप लोगों को छूट दे रहा है. Thank you. So first question, born and brought up in Delhi. Great. Favorite Delhi place. जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली जाना अच्छा लगता है, चलो चलते हैं यार, मन नहीं लग रहा, कहाँ पे जाते हो? आई थिंक कुछ नहीं समझ आता, वी जस्ट गो टू द मॉल्स. मॉल्स, ओके. फेवरेट कलर? ब्लैक. या फेवरेट आउटफिट? जीन्स एंड टॉप. ग्रेट. फेवरेट ब्रांड्स इन क्लोथ्स? नो ब्रांड्स, आई जस्ट गो एंड बाय व्हाटएवर आई लाइक. ग्रेट. फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, सॉन्ग्स तो हर वक्त बदलते रहते हैं. I mean, Evergreen, I would say Kal Ho Na Ho. Great, what a choice. Chalo, main last mein ga dunga isme. Next, Bollywood movie, favorite Bollywood movie. It also keeps changing. So, I think the recent movie which I watched was Badla, which I really liked. Great. So, yeah, I enjoyed Chak De India and many more. Great. Your favorite punchline, जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपने session में? Let the magic begin. Wow. Okay. Your favorite actor in male? So, I guess something which has stayed forever has been Salman Khan. Okay. Rest of them now, if I see the new age movies, I guess actors are much more creative and all that. So, yeah, definitely I enjoy watching Shahid. I enjoy watching Ayushman Khurana. Okay. So, lot more. Great. And favorite actor in female category? I think Vidya Balan is someone who is excellent awesome. In acting. She's awesome. Yeah. But I do like Alia too. She's experimenting. Like, I really enjoyed her movie Razi. Great. Great. Wow. So, ये पहला सेगमेंट हमने खत्म कर दिया, थोड़ा सा कंफर्टेबल बना है, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी ऑकवर्डनेस बढ़ने लगेगी. सेकेंड सेगमेंट जो है वो है वन लाइन रैपिड फायर राउंड. आर यू रेडी? फॉर दैट यू हैव टू आंसर इन वन लाइन.
Okay. So, just go for that. Question number one. One superpower you wish you had. If I could be invisible, so I can just go anywhere. Okay. Okay. Second question. Last film you have seen? Last movie which I have seen is the most recent Mission Mangal. Mission Mangal. Yeah. Kaise? I really enjoyed it. Great. Third question. Your first celebrity crush? Just said it, Salman Khan. Oh. Question number four. What is the first thing you have noticed in a man? I guess sense of humor. Sense of humor. Great. Okay. Question number five. Whose opinion is really matter for you? Whose opinion? I don't think I'm here to please anybody. Okay. So if I can stand in front of mirror and main kuch kar rahi hu and khud se nazar mila sakti hu, I guess that is what matters to me. ओके ग्रेट आंसर. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिमिलर है, मतलब बहुत लोग उससे रिलेट करेंगे. हम लोगों के फोटोज़ बहुत कैंडिड आते हैं इंस्टाग्राम पे, हम लोग बहुत अच्छे फोटोज़ डालते हैं, लेकिन एक्चुअल हमारी फोटो हमारी शक्ल दिखती है आधार कार्ड पे. सो द क्वेश्चन इज ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट योर आधार फोटो. ओह, इट्स बेसिकली वो होता है ना, वांटेड डेड और अलाइव टाइप्स, बिल्कुल वैसे ही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A lie that you say quite often. A lie that I say quite often? Yep. Do I lie? You have to answer that. Great. Kya baat hai? Next question. Next question. Your most cheesy line you have used. In someone. Okay. Next question. One thing no one knows about you. No one knows anything about me. They better do not know about me. Why? I guess I'm a complete movie buff. Okay. So very, very close friend. Only very, very close friends know this about me. As they call me, I am Bollywoodized. Okay. Yeah. Great. Next question. The weirdest comment or funniest comment you have got on me. Are you R.S. Agarwal's daughter? I just want to say one thing, not all Agarwals are related in the world. So no, I'm not his daughter. Great. Next question. Next question is, if you were not a teacher, what would you be? If I was not a teacher, though bachpan se I wanted to be a teacher, but beech mein ek track aaya tha when I wanted to be a singer. So maybe I would have explored that life. सो गाइज क्या कहते हो, लास्ट क्वेश्चन था इस सेगमेंट का, गाना हो जाए एक एक लाइन तो गाना बनेगा. कम ऑन. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन. ग्रेट, वाओ. सो गाइज यहाँ पर हमारा सेगमेंट नंबर टू भी खत्म होता है और अब हम चलते हैं सेगमेंट नंबर थ्री पर, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारे गेस्ट कितने स्मार्ट हैं. ठीक है, बेसिकली हम जानते हैं कि ये मैथ्स की टीचर हैं, तो हम इनसे नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे. क्वेश्चन थोड़े फनी हैं, अगर आप लोगों को आते हैं तो आप चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज, आर यू रेडी? या नेक्स्ट सेगमेंट इज हाउ स्मार्ट आवर गेस्ट इज. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक कपड़ा एक घंटे में सूखता है, तो 10 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे? ग्रेट. अच्छा ठीक है, एक मुर्गा एक घंटे में एक अंडे देता है, तो 10 मुर्गे एक घंटे में कितने अंडे देंगे? मुर्गा यार, मुर्गी नहीं है. साइंस ने तरक्की कर ली है भाई. ठीक है, इट्स राइट आंसर. हमने गैस बहुत स्मार्ट है. ठीक है, सो यहाँ पर गाइस हमारा थर्ड सेक्शन भी खत्म होता है. अब हम चलते हैं फोर्थ सेक्शन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं हमारे गेस्ट को. अगला जो हमारा सेक्शन है दैट इज यस और नो. So you have to answer only in two ways, okay? Yes or no? Yeah, true or false. Yes or no? That's it. Okay, your first question. Received a proposal from any boy? Yes. Okay. Second question. Crush on your school teacher? No. Third question. Have you ever picked things from hotel? Yes. Okay. Fourth question. मतलब yes मतलब ऐसे चोरी वाली नहीं? The cream, the shampoo bottles.
वो सभी करते हैं आई थिंक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर स्लैप्ड, क्या आपने किसी को मारा है? बिल्कुल मारा है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर अब्यूज समवन? नो. नो, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्कूल डेज हैव यू एवर सीन अ मूवी विदाउट नोइंग योर पेरेंट्स? विदाउट माय पेरेंट्स नोइंग? नो. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट आउट? नो. लास्ट क्वेश्चन, any breakup story in your life? Thankfully, no. So finally, guys, ये हमारा fourth section भी खत्म हो गया. I hope आप लोग enjoy कर रहे होंगे और explore कर रहे होंगे हमारे guest को. So चलिए guys, अब हम अपना fifth segment शुरू करते हैं, जिसमें आप लोगों ने जो नेहा से सवाल पूछे हैं community section में, वो मैं आपकी तरफ से पूछूंगा और basically मैं आपका नाम भी लूंगा. So don't worry about it. So नेहा, actually जब आप आने वाले थे, so हमने एक कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाला था और हमने ये कहा था कि अगर आप मेरी जगह आप लोग होते तो आप क्या सवाल पूछते हैं नेहा से. वो क्वेश्चन हमने बहुत सारे रिसीव किए, सो उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ और ऑब्वियसली मैं नाम भी बताऊंगा कि किसने वो सवाल आपसे पूछा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आज बाय स्पंदन खिमानी. सो स्पंदन खिमानी का क्वेश्चन है, योर बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ? Why didn't I get on YouTube earlier? Great. Yeah, that's a right answer by the way. Next question. For Neha ma'am, which thing or who is the best motivator in her life? Asked by Ayush Upadhyay. Okay, so Ayush, I already have this video on my channel where I said one person cannot motivate me, one person cannot inspire me. मैं हर इंसान की खूबियों से कुछ सीखती हूँ, तो ओवरऑल अगर आप पैकेज देखें कोई भी परफेक्ट नहीं है. नो बडी सिंगल हैंडेडली कैन मोटिवेट मी. ग्रेट आंसर, ग्रेट आंसर. अगला सवाल अभिजीत मिश्रा ने पूछा है. अभिजीत पूछ रहे हैं, मैम क्या आपका कोई क्रश था स्कूल लाइफ में? नो. नो, ओके. सो अभिजीत आपको आंसर मिल गया होगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली क्यूट एंजल. बढ़िया नाम है, क्यूट एंजल. आपने अपना नाम नहीं भी लिखा तो यही नाम लिखा हुआ है तो यही बोल रहा हूँ. मैम योर फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन एंड योर फनीएस्ट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, होप यू लाइक द क्वेश्चन. सो देयर आर टू क्वेश्चंस. माय ड्रीम डेस्टिनेशन आई थिंक हैज टू बी स्विट्जरलैंड. ग्रेट. सो या आई होप आई एम गोइंग टू फुलफिल दिस क्विकली. Okay. And yes, the second question was? The second question was your funniest experience in your life. So funniest experience, I think, so once when I was back in college, बहुत साल पहले की बात है, since I'm born and brought up in Delhi, तो Delhi की सरोजनी नगर मार्केट सबको पता होगी. So हम लोग वहाँ पर ऐसे ही घूम रहे थे अपने friends के साथ and suddenly मैं एक shop में गई. वहाँ पर तो ऐसे local shops होती हैं and मैं जाकर एक बंदे से I was like, भैया ये स्कर्ट कितने की है? उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया. भैया ये स्कर्ट कितने की है, अब बताओ तो सही. स्टिल नो आंसर. एंड देन सडनली उस बेचारे ने मुझे बोला, ना मैं यहाँ कस्टमर हूँ. सो मतलब जितने लोग मेरे आसपास थे, दे जस्ट यू नो बर्स्ट इनटू लाफिंग एंड मैं शायद कुछ नहीं बोल पाई, बस मैं वहाँ से भाग गई. सो या इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग एट द सेम टाइम. अब मैं सोचूँ तो इट वॉज वेरी फनी ऑल्सो. ओके. So next question and last question. Lovleen Kaur ने पूछा है, आप इतनी accurate tricks कैसे बना लेते हो? Okay. यार पहली बात तो अगर मैं अपनी मिठाई का secret formula आपको दे दूंगी तो फिर तो वो leak हो जाएगा ना. सही बात. Anyway, so see the thing is, ultimately मैं पहले भी कहती हूँ, अब भी यही कहती हूँ, tricks आते हैं strong concepts से. मतलब ट्रिक्स ऐसे नहीं आपने कहीं देख ली और कुछ भी लगा दिया. सो कॉन्सेप्ट्स के बीच में से ही आपके ट्रिक्स निकलते हैं. एंड जब कोई ट्रिक निकलता है तो उसको इट्स लाइक आपने कुछ निकाल दिया तो अब आप उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो उसके ऊपर कि कोई भी केस फेल ना हो जाए. सो आई गेस यार देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज बिहाइंड इट. सो बस मैं यही बोलूंगी. सो फाइनली गाइज, हमारा सेगमेंट नंबर 5 भी खत्म होता है. अब चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे और अब इनके बारे में कुछ और अच्छा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. सो अब घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे जो यू नो एक्सप्लोरेड जो सेगमेंट्स है वो खत्म हो गए हैं. सो फाइनली दीज आर द दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट एज वेल, सेगमेंट नंबर 6, अबाउट यू एज अ पर्सन.
The first question is, what do you like doing in your spare time? What do I like? I love to sing, I love to dance. Agar time permit kare to, yeah, I would love to travel, read, to sab kuch. Aur sabse zyada kuch nahi mile to yaar, aise hi baithe ho YouTube khol ke baith jao. You'll get a lot of content. Yeah, that's true. Second question, what's your annoying habit? I guess most of the people, they've seen me as a very shant, patient kind of person. But the annoying habit which I feel is ki main jo mujhe cheez kharab lagti hai na, I still give it time. Matlab, I don't give it back to the person immediately. So uske saath hota ye hai ki baad mein phir there's a volcano eruption suddenly. So yeah, this is something which is annoying. I'm working on it to become more straightforward. Great. Yeah. Next question. What would you like to remember about yourself? I guess, obviously, first of all, as a good math teacher. Secondly, as a good human being. I mean, good ki aise koi paribhasha nahi, but somebody who's not there to hurt anybody, who is there to help everyone. So I guess, yeah, I would like agar log ye is cheez se mujhe yaad rakh sake. Great. Second last question. An idea that changed your life? I think opening a YouTube channel definitely has changed my life. Great. That's true as well. Now last question, and this is my favorite question. Why Vedantu? Why Vedantu? Actually, I think you should ask why not Vedantu? Yeah. Because I think since the time, take a second, you haven't welcomed me in Vedantu. Oh my God! How do people know I'm in Vedantu? So yes. First of all, guys, ये न्यूज़ दे देते हैं. वैसे आप लोगों को पता लगी क्या होगा कि नेहा मैम ने फाइनली वेदांतु ज्वाइन कर लिया है. इसीलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है. और इसके लिए पहले हम मैम से आंसर ले लेते हैं, उसके बाद इनके लिए एक सरप्राइज हो रहा है वेदांतु की तरफ से. सो व्हाट्स योर आंसर? वेलकम यू फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम इन वेदांतु. थैंक यू सो मच. नाउ या सो एज आई जस्ट सेड, व्हाई नॉट वेदांतु? बिकॉज या आई थिंक जब मैं यहाँ के लोगों से मिली इनिशियली एंड I got to know them. Vedantu, I feel, has a vision. And the vision is very clear. They are actually there to support people. Yes. So, matlab, I think jo main khud kar rahi hun, wo bhi isi direction mein ja raha hai. So, bahut cliched lagta hai, but haan, actually, ki quality education reaches each and every one. Yep. Yeah, so, I guess, yes, I saw that spark, I saw that vision here. I think it would be a great journey here. Wow. So, हमारा surprise क्या पता है? Actual में क्योंकि इन्होंने वेदांतु join कर लिया है, तो हम इनको हमारा most iconic t-shirt अभी देने वाले हैं. So ma'am, ये most iconic t-shirt जिसे मैं खुद wear करता हूँ. In fact, हम लोगों ने बहुत ही designing t-shirts हमने print किया. I like that one. हाँ, तो वो भी आपको हम देंगे. But most iconic t-shirt by वेदांतु ये हम आपको देना चाहते हैं अभी. So welcome you in Vedantu. Thank you so much. And guys, I think, okay, wow, that's cool. Yeah, it is. And I think ma'am ne bahut hi awesome answers diye hain. I think har ek pehlu ko humne jo chhune ki koshish ki hai, ma'am ne usko appropriate tarike se answer kiye, and I think ye deserve karti hain Vedantu ki taraf se ek gift hamper. Yes guys, so finally thank you so much for coming in episode number 3, The Other Side of Buddy. ओके, सो फाइनली जाते जाते, ये आपका है, फाइनली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इस फॉर्मेट के लिए और मेरे लिए? नहीं, आई थिंक वेरी ऑसम फॉर्मेट. आई शुड एक्चुअली नो, मतलब ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत सेलिब्रिटीज से एंड सब से, बट आई गेस स्टूडेंट्स नीड टू नो कि टीचर्स ऑल्सो हैव देयर अदर साइड, देयर मिस्चीवियस साइड. सो डेफिनेटली, एंड हैट्स ऑफ टू द एंकर फॉर मेकिंग मी सो कम्फर्टेबल कि फाइनली I'm feeling okay. So, yeah. Thank you. So guys, that's it. Thank you so much for watching this episode. Lekin, bane rahega hamare saath, kyunki picture to bhi baki hai mere dost. Episode number 4 mein, phir ek awesome guest ke saath main aaunga aur unko hum log explore karenge. So guys, till then, do whatever you want to do, man. Yo. Bye-bye. Bye. Actual mein, hum log hamare guest se, the other side of buddy ke point of view se, उनके एक अदर साइड दिखाने के लिए अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, जो एक्चुअल में इनका फोटे नहीं है. ये टीचर हैं और टीचर के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं पूछने वाले हैं,
And the questions are really so. So hi Neha, how are you? Thank you very well. So no. No. Thank you. एक बार last है. ठीक है. हटा दो इसको. So hi Neha, how are you? Hi. Not so good, but okay. वापस कर. So guys, that's it.